हाय, दिस इज़ सुधांशु रंजन मोहंती एंड यू आर वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो भाई लोग, आई एम सॉरी, मेरा एक गलती हो गया था एक वीडियो पे। एक भाई ने मेरे को बताया था कि वो मीन्स गलती क्या हो गया था, और उन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप पे बताया था जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मेरा अगर वीडियो पे कोई गलती हुआ है, आपको मिल रहा है वो गलती, तो आप मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा, ठीक है। तो ये बात है कि मेरा जो वीडियो एक था, पिछले वाला एक वीडियो था, उसमें मैंने एक गलती कर दिया था जो कि डीजी शिपिंग, उसका फुल फॉर्म मैंने गलत बता दिया था। मीन्स मेरे को मालूम है, पर थोड़ा सा मीन्स आपको पता होगा कैसे गलती होता है, मीन्स गलती हो गया था थोड़ा। मैं वहाँ पे बोल दिया था डीजी शिपिंग का फुल फॉर्म है डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ शिपिंग। डीजी शिपिंग का फुल फॉर्म ये रॉन्ग है, डीजी शिपिंग का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। तो वो भाई ने बताया था, आई डोंट नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजी शिपिंग एंड यू आर अ फूल, इट्स नॉट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ शिपिंग, इट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इट्स नॉट, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इट्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग। एंड उन्होंने बताया था कि मेरे को आप फूल हैं। तो मैं आप एक बात बता दूँ आपको, जब क्लास में टीचर पढ़ाते थे या फिर कॉलेज पे लेक्चर पढ़ाते थे या फिर घर पे मामा पापा पढ़ाते, तो उनमें उनको कहीं ना कहीं पे थोड़ा ना थोड़ा बहुत गलती होता है। तो आप उनको बताते हो कि मामा पापा आपका गलती ये है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, या फिर टीचर सर यहाँ पे इस गलती है, वहाँ पे आप रिस्पेक्ट दे के बात करते हो, इसलिए वो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। आप मेरे को फूल बोले तो मैं आपको फूल बोल सकता हूँ आपका, इसलिए आपको थैंक्स मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरा गलती पकड़े और मेरे को बोले, मैं आज सुधार रहा हूँ उस गलती को। पर आपको फूल नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं फूल होता, अगर आपका मामा पापा फूल होते या फिर आपका टीचर फूल होता, तो वो वहाँ पर जाकर आपको पढ़ाते नहीं थे अगर वो फूल होते। अगर मैं फूल होता तो मैं यहाँ पे आप आकर आपको ये सब मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको नहीं बांटता, ठीक है। बस यही बात है, आपको अगर मिलता है कोई गलत तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिए, मैं श्योर इसे ठीक करूँगा। तो भाई पहली बात तो ये थैंक्स आपको कि आपने पकड़ा मेरी गलती को और आज मैं सुधार रहा हूँ उस गलती को। डीजी शिपिंग का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ओके। दूसरी बात यह है कि बात करने से पहले थोड़ा सा आराम से बात करो, क्योंकि फूल फूल लिखना अच्छा नहीं लगता है मेरे को, ठीक है। या फिर आपको भी कंफर्टेबल नहीं लगा अगर आपको बिना मीन्स अगर आपको कोई फूल क्या होगा जो कि गलती आप किए हो आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपका जाने अनजाने से वो गलती हो गया है, ठीक है, ऐसा मत बात कीजिए। और दूसरा बात है, और एक भाई ने बताया था कि कैसे एंट्री करें मर्चेंट नेम पे, वो प्रोसीड्योर मेरे को बताइए। मेरा वीडियो बाय वीडियो में पहले प्रोसीडर बताया था मर्चेंट नेम पे कैसे एंट्री करें। मैं आपको बताया था कि IMUCT का जो कि इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट करता है सभी के लिए, वो IMUCT एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। पढ़ने के बाद अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोले, PCM 60% होना चाहिए 12th पे, और 10th पे 50% होना चाहिए इंग्लिश पे, और 12th पे भी 50% होना चाहिए इंग्लिश पे अगर, और आप मेडिकली फिट हो, तो आप अगर IMU का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपका रैंक आता है उस पर, तो आप उस रैंक के बेसिस IMU अप्रूव कॉलेज पे आप जा सकते हो। ये एक टाइप का होता है मीन्स एक टाइप का एडमिशन होता है आपका मर्चेंट नेम पे एंट्री करने का। दूसरा होता है, कोई कोई कॉलेज का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप वहाँ पे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के उनका जो कि होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका कॉलेज का, उसको अगर मीट किए होंगे और आपका मेडिकली अगर फिट होंगे आप उस कॉलेज पे भी एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा टाइप का है। और तीसरा टाइप का है डायरेक्ट एंट्री स्कीम, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, IMU का कोई भी रिजल्ट आपको पकड़ा नहीं जाएगा, मीन्स वैल्यू नहीं होगा वहाँ पे कुछ, IMU CT का एग्ज़ाम का रिजल्ट वो नहीं ले रहे होंगे या फिर आप नहीं देंगे, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट एडमिट कर सकते हो वहाँ पे जाके। तीनों प्रोसेस का होता है, ठीक है। आपको बस सर्च करना है कि कहाँ पे आपको IMU अप्रूव्ड कॉलेज, अगर आप IMU देते हो तो आप कौन सा कॉलेज पे जाओ। अगर आप कोई कॉलेज देखता है कि खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट करता है एंड खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करता है कोई कॉलेज, तो वहाँ पे देखे आप जा सकते हो, या फिर आपको देखना पड़ेगा कोई कॉलेज डायरेक्ट एंट्री लेता है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तीन टाइप का सिलेक्शन प्रोसीडर मीन्स आपको, आप एडमिट हो सकते हैं मर्चेंट नेम के, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। मिनिमम होता है PCM 60% होता है, और इंग्लिश 50% एंड 10th एंड 12th, और PCM 60% 12th पे होता है, ठीक है। बस यही होता है, यही होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मैं आपको तीन ठो बता दिया आप कैसे जा सकते हैं, एक तो IMU एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करके, एंड जो कि आप मेडिकली फिट हो तो IMU अप्रूव कॉलेज पे जा सकते हैं। दूसरा बात यह है कि जो कॉलेज खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है
वहाँ पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उनका जो कि होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करके वहाँ पे उसके कॉलेज पे जा सकते हो। और एक तो है जो कि डायरेक्ट एंट्री करते हैं वो कॉलेज पे आप पैसा दे के मीन्स जो भी होता है डायरेक्ट एंट्री आप करके जा सकते हैं, ठीक है। एक तीन टू टाइप का प्रोसीजर होता है। तो भाई लोग इतना बोल दिया और एक बात बताने वाला हूँ, अभी भी ऑन गोइंग एडमिशन चल रहा है, अभी भी ऑन गोइंग एडमिशन चल रहा है। और आई एम सीटी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई मीन्स एग्ज़ाम का रिजल्ट भी निकल गया है बहुत दिन से, ठीक है। तो मेरा जितने सारे क्लाइंट्स हैं मीन्स मेरे पास जितने सारे हैं थैंक यू टू देम कि वो लोग क्वालिफाई भी किए हैं आईएमयू का एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अगर आप में से कोई देख रहा है जो कि आईएमयू सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उनको भी कॉन्ग्रेट्स की वो लोग आईएमयू का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो अभी बस मन लगा कर आगे जाके एडमिशन करवा लो और मन लगा कर पढ़ाई करो, ठीक है। एंड इन सब के बाद मैं अभी एक बात बोलने वाला हूँ कि अभी भी अनगोइंग एडमिशन चल रहा है। कोई अगर मेरे थ्रू से जाना चाहता है कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है कि हम लोग उनको कॉलेज प्रोवाइड करें या फिर उनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें तो वो लोग हमारे थ्रू से जा सकते हैं, कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, एक दो वीडियो पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं अगर मेरे थ्रू से जाने के लिए तो आप वहाँ पे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर को मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके आप मेरे थ्रू से जा सकते हैं। जो भी होगा बातचीत होने के बाद आप मेरे थ्रू से जा सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है, बस सेम टू सेम यही बात है। आपको इसे ही करना चाहिए। आपको बता दिया कैसे एंट्री होता है, तीन तीन टाइप का एंट्री आपको बता दिया। दूसरा बात बता दिया कि जो कि मेरे से गलती हुआ था, डीजी शिपिंग इट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने ये भी बता दिया अगर जाना कोई चाहता है तो मेरे थ्रू से, अगर जाना कोई चाहता है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जी अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा लाइक्स दीजिए। एंड अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि और भी लोगों को यूट्यूब को छोड़कर बाकी फेसबुक ट्विटर या फिर जिनमें जो लोग मर्चेंट नेवी के लिए सर्च कर रहे हैं उनको भी मिले वीडियो, वो लोग भी कुछ नॉलेज लें मर्चेंट नेवी के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।